नमस्कार दोस्तों, हमारे पास ये बाइक है हीरो HF डिलक्स, जिसमें वन वे का प्रॉब्लम है दोस्तों। वन वे इसका ख़राब था तो मैंने इसका वन वे निकाल कर फिट कर दिया था ऐसे ही, और किक से चल रहा था। तो आज हमें उसको वन वे को फिट करना है, नया लगाना है, तो आज हम उसी को फिट करेंगे और बताएंगे वन वे कैसे फिट होता है। वन वे फिट करने के लिए सबसे पहले हमें ये मैग्नेट कवर खोलना पड़ेगा। तो पहले हम ये गियर का लीवर खोल के निकाल लेंगे बाहर 10 के टी पाने की मदद से। इसके बाद 8 के टी पाने की मदद से ये इसका स्पार्किट कवर हम खोल लेंगे। इसका 2 बोल्ट खोलेंगे 8 नंबर के, तो ये स्पार्किट का कवर बाहर आ जाएगा। ये हमने कवर को बाहर निकाल लिया। अभी ये 4 बोल्ट खोलना पड़ेगा मैग्नेट कवर बाहर निकालने के लिए हमें। 1 बोल्ट ये दूसरा इधर है, तीसरा ये है और चौथा ये है। इन 4 बोल्ट को हमें खोल के बाहर ले लेना है। ये हमने 4 बोल्ट को बिल्कुल ढीला कर लिया। अभी इसको हम बाहर निकाल लेंगे 4 बोल्ट को। अभी हमें इसका वायर निकाल लेना है मैग्नेट का। ये वायर को इस तरह से इसको खींचेंगे तो बाहर आ जाएगा, और इसको इस तरह साइड में दबा के इसको बाहर खींचना है तो ये निकल जाएगा कुछ इस तरह से। अभी हमें मैग्नेट कवर को बाहर निकालना है, बाहर की तरफ खींचेंगे तो बाहर आ जाएगा। तो दोस्तों इधर एक न्यूट्रल लाइट का स्विच है, तो इस स्विच का वायर हमने निकाला नहीं है, तो ये वायर भी निकालना पड़ेगा हमें। यहाँ पे दिखाते हैं आपको, ये इस तरह से उंगली से इसको ऊपर से वाशर को दबाएंगे तो ढीला हो जाएगा और बाहर आराम से निकल जाता है। और इस तरह से मैग्नेट कवर बाहर कर लेंगे। अब ये मैग्नेट को खोलना है, 14 नंबर का इसमें नट लगा होता है, 14 नंबर का स्पानर हम लगाएंगे और इसको हथौड़े से इस तरह से हम चोट मारेंगे तो ये खुल जाएगा। इसका पाना भी आता है, अगर हमारे पास पाना नहीं, अगर आपके पास आए तो पाने से आराम से खुल जाता है, और इसे भी कोई दिक्कत नहीं होता। इसमें पाना लगाएंगे और इस पर हथौड़ी से थोड़ा चोट मारेंगे तो ये इजी एकदम खुल जाता है। तो पहले हम इसको खोल लेंगे। ये नट हमने बाहर कर लिया है। ये मैग्नेट को बाहर निकालने के लिए इसमें कूलर लगता है, तो ये उसका कूलर है, क्योंकि मैग्नेट ऊपर एकदम पकड़ लेता है क्रैंक में तो बाहर आता नहीं है। इसे हमें कूलर की मदद से खोलना पड़ता है। कूलर को हमने फिट कर लिया, तो इसको थोड़ा टाइट कर लेंगे 32 गियर फिक्स पाने से। ये कूलर को हमने थोड़ा टाइट कर लिया और अभी हम इसको इस तरह से टाइट करेंगे और इस पर थोड़ा सा चोट मारेंगे हल्का, और ये मैग्नेट बाहर आ जाएगा। ये हमारा मैग्नेट बाहर आ गया, देख सकते हैं इसमें वन वे नहीं लगा हुआ है। मैंने वन वे पहले से निकाल के रखा था, उस समय वन वे मिला नहीं था, तो अभी मिला है, तो अभी इस समय मैं फिट को फिट करने जा रहा हूँ। दोस्तों वन वे मैग्नेट में ही फिट होता है, इसके लिए और कुछ नहीं खोलना पड़ता है, लेकिन मैं इसको खोल के आपको बता देता हूँ अगर आपको कभी खोलना पड़ जाए तो किस तरह से खोलेंगे, और आपको क्या है इसको खोलने के बाद हम आपको सिखा देंगे, और मैग्नेट में किस तरह से बैठाना है उसको भी हम आपको बता देंगे। मैंने इसका लॉक निकाल लिया, अभी इसको हमें बाहर निकालना है। सबसे पहले मैं 8 नंबर का बोल्ट खोलेंगे, तो ये पत्ती है जो गियर को दबा के रखता है कि बाहर मैग्नेट में टच हो, इसको निकाल लेंगे हम। इसको हल्का बाहर करेंगे और इसका ये छोटा सा ऊपर गियर है, ये गियर को हम निकाल लेंगे, और ये बिल जो है निकलेगा नहीं, उसके लिए उसके अंदर जो इसके पिन लगा हुआ है मैग्नेट का, उसको निकालना पड़ता है। तो उसको हम इस तरह हथौड़े से मारेंगे इस तरह से कुछ देर, इसका चाबी है इसको, जिसको हम चाबी कहते हैं, इस तरह से मारेंगे तो बाहर फेंक देगा, और इसको पकड़ की मदद से हम बाहर खींच लेंगे इस तरह से, और ये आ गया बाहर। अभी ये इजी अपना गियर बाहर आ जाएगा, ये गियर आराम से बाहर आ गया, ये देख सकते हैं। अभी हमें वन वे फिट करना है इसके अंदर। ये हमारा वन वे, इसका स्प्रिंग छटक गया, पहले स्प्रिंग बैठा लेंगे इसका। कुछ इस तरह स्प्रिंग हमें लगाना होता है, इसमें स्प्रिंग वाटी होती है, और इस तरह से अंदर दबा के, और इसमें इस तरह रोलर को सेट करना होता है। अगर इसका फुल डिटेल चाहिए तो इसका मैंने वीडियो बना के रखा हुआ है, उसको देख सकते हैं। तीनों रोलर को इस तरह से हमें सेट कर लेना है, और देखना है एकदम फ्री रहना चाहिए, अटकना नहीं चाहिए। उसके ऊपर एक पत्ती आता है, प्लेट को इस तरह से हमें सेट कर लेना है, और इस तरह सेट करके हमें मैग्नेट के ऊपर कुछ इस तरह से फिट करना है। ये हमारा मैग्नेट है, इसके ऊपर हमें कुछ इस तरह से सेट करना होता है। ये लंकी का तीनों जो होल है, दो मैग्नेट में थ्रेड बना हुआ है, इसके पूरे लाइन में होना चाहिए। स्क्रू ड्राइवर की मदद से हम उसको सेंटर में कर लेंगे,
और इसका बोल्ट हम लगा लेंगे 5 नंबर की लंकी बोल्ट लगता है इसके अंदर, 3 बोल्ट रहता है, तीनों बोल्ट को हम लगा के और इसको टाइट करेंगे। दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। ये हमारा लग गया, इसको हम फुल टाइट कर लेंगे। दोस्तों ये अक्सर क्या होता है कि मैग्नेट का ये वन वे जो होता है इस पर इतना लोड पड़ता है तो अक्सर ये खुल जाता है, तो अब आपको हमको इतना ध्यान देना होता है कि इसको मतलब पूरा एकदम फुल टाइट करना होता है, ताकि हमारा ये हाथ से पूरा टाइट नहीं होता है, जितना हाथ से होता है उतना करने के बाद पाइप लगा के इस तरह से फुल टाइट करेंगे तो हो जाएगा, ताकि ये खुले ना। ये हमने तीनों बोल्ट को फुल टाइट कर लिया है, ये देख सकते हैं आप। अब इसको वन वे फिट करने के बाद हमें एक बार ये चेक करना है रोलर कहीं फंस तो नहीं रहा। ये देखिए पूरा फ्री होना चाहिए, अंदर खींचने के बाद वापस आना चाहिए। अगर ये बीच में रुकेगा तो फिर कड़क कड़क की आवाज़ आएगी इस सेल्फ से, ये पूरा फ्री रहना चाहिए। दोस्तों मैंने इस बिल को खोल के इसीलिए निकाला था कि आपको मैग्नेट में कैसे बैठाया जाता है बताने के लिए। इसको अगर इस तरह से लगा के इसको दबाएंगे अंदर की तरफ तो बैठेगा नहीं, हल्का सा घुमा देंगे उल्टा साइड तो बैठ जाएगा। ये देखो बैठ गया, इसी तरह आपको उल्टा घुमा के बैठ कर फिट करना है अंदर। अभी इसको बाहर निकाल देते हैं और इंजन में इसको फिटिंग करके दिखाते हैं आपको कैसे मैग्नेट को फिट किया जाता है। तो ये हम इंजन के पास आ गए, अभी इसको हमें क्या करना है, सबसे पहले इसके ऊपर हमें चैन को इस तरह से बैठा लेना है और उसके बाद छोटा गियर जो है जो स्टार्टर में फिट होता है इसको भी हमें लगा देना है। ये वाला अंदर की तरफ रहेगा, ये बाहर की तरफ, और इस तरह से हमें लगाना है और इसको अंदर इस तरह से सेट करना है कुछ इस तरह से, यहाँ पे इस तरह से हमें सेट कर लेना है। ये हमारा सेट हो गया। अभी हम क्या करें, सबसे पहले इसका ये लगा देंगे मैग्नेट की चाबी जिसको हम बोलते हैं मैग्नेट की, इसको हम फिट कर लेंगे। इसको यहाँ पे इस तरह लगा देना है, इसके ऊपर से हथौड़ी से थोड़ा चोट मारेंगे तो अंदर खांचे में सही बैठ जाएगा कुछ इस तरह से, ये देख सकते हैं बैठ गया है। अभी हमें मैग्नेट को लगाना है, उसमें वन वे कैसे फिट होता है वो बताता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे खांचा बना हुआ है, यहाँ पे ये मैग्नेट के अंदर ये खांचा, ये जो इसका चाबी है उसमें एकदम सेट होगा, और सेट करके उसको अंदर दबाना नहीं है, पहले हमें इसके ऊपर इस तरह से खांचे में चाबी को बिठा लेना है, और इस तरह बिठाने के बाद इसको उल्टा साइड घुमाना है। बैठ के जाने के बाद हल्का बैठाएंगे, बैठ गया, इसको हम उल्टा साइड मैग्नेट को घुमाएंगे, उल्टा साइड, ये उल्टा साइड घुमा दिए हैं, ये सब घुमाएंगे तो बैठ जाएगा, उल्टा घुमाएंगे तो ही वन वे और गियर बिल जो था वो बैठेगा, ठीक है। और अभी इसका लॉक लगा देंगे, जो हम लॉक निकाले थे ये छोटा वाला गियर का, ऊपर से फिट कर लेंगे। ये हमारा लॉक भी फिट हो गया। और अभी इसके ऊपर इसका पत्ती हम फिट कर लेंगे, छोटा सा जो है ये पत्ती, जो अंदर ये गियर लगा हुआ बिल वो बाहर ना आए, मैग्नेट में टच ना हो, इसके लिए सिर पे लगाया सपोर्ट लगाया जाता है 8 की T के पानी की मदद से, इसको भी हम फुल टाइट कर लेंगे। ये हमने इसको टाइट कर लिया। अभी चैन के ऊपर इसके चैन के ऊपर दोनों तरफ पैड लगते हैं, एक छोटा एक बड़ा, ये आगे की तरफ ये छोटा वाला लगेगा, इसका पैकिंग हमने निकाला नहीं है, फट जाएगा, इसकी वजह से हमें पैकिंग वही लगाना है तो मैंने इस पैकिंग नहीं निकाला है, आप चाहे तो निकाल सकते हैं। और पैड को यहाँ पे सेट कर लेंगे छोटा वाला आगे की तरफ, और ये दूसरा वाला बड़ा वाला पैड है, इसको इस साइड सेट करना है पीछे की तरफ, यहाँ पर ये पैकिंग को हटा के हम सेट कर लेंगे इस तरह से, हमें पैकिंग वही लगाना है दोस्तों, इसके लिए हमें पैकिंग फट ना जाए, इसके लिए हमने पैकिंग निकाला नहीं है, आप अपना चाहे तो पैकिंग निकाल सकते हैं। इस तरह से पैड को चैन के अंदर, चैन पैड के ऊपर रहेगा, इस तरह सेट हो गया। अभी इसका वाशर एक लगा के हम मैग्नेट का नट लगा देंगे और इसको फुल टाइट कर लेंगे, जैसे खोले से उसी तरह इसको टाइट कर लेना है।
ये हो गया हमारा फुल टाइट। अभी हमारा वन वे कंप्लीट हो गया। अभी इसका हम कवर लगा देंगे जो खोले थे। वन वे फिट हो गया पूरा। ये पैकिंग हमारा नया नहीं लगाएं। अगर आपके पास पैकिंग फटा है तो पैकिंग आप नया लगाना, और हमारा पैकिंग सही है इसके लिए हम पैकिंग वही लगा रहे हैं। और इसको हमें इस तरह से फिट कर लेना है कुछ इस तरह से। अभी जो इसके हमने चार बोल्ट खोले थे, चारों बोल्ट को हमें लगा लेना है एक एक करके, और चारों को फुल टाइट कर लेना है। हमने चारों बोल्ट को फुल टाइट कर लिया है। अभी हम इसका वायर लगा लेंगे। वायर को यहाँ पे लगाना है और आराम से प्रेस कर देना है, अंदर चले जाएगा। और दूसरा एक वायर है पिकअप कॉइल का, इसको भी हमें इस तरह से लगा के प्रेस कर देंगे, दोनों फिट हो जाएगा। अभी हमें इसका न्यूट्रल लाइट स्विच का, ये न्यूट्रल लाइट का जो वायर है वो लगाना है। इसको थोड़ा लाकर अभी न्यूट्रल लाइट का लगाना है। न्यूट्रल लाइट के वायर को क्या करना है, वायर सा जो ऊपर है उसको उंगली दबा के रखेंगे और होल के अंदर हल्का सा डाल देंगे वायर के नोक के कोने को, और उसके अंदर घुस जाएगा और ये सेट हो गया। अभी हमें इसका कवर लगा देना है, दोनों बोल्ट इसका लगा के इसे फुल टाइट कर देना है। अभी हम इसका गियर का लीवर लगा देंगे और उसको भी फुल टाइट कर लेंगे, और ये अपना वन वे फिट होकर कंप्लीट हो गया। दोस्तों आपको वन वे फिट करना है तो कुछ इस तरह से आप बहुत आसानी से देखकर वीडियो फिट कर सकते हैं। नमस्कार।